कौन कह रहा था 3.5 घंटे की मूवी लंबी हो जाएगी, लोग उठ के भाग जाएंगे, ताली नहीं बजाएंगे, सीटी नहीं बजाएंगे, देख नहीं पाएंगे। यार सब कुछ चल रहा है, धुआंधार चल रहा है। किस जमीन की बात करें जहां खून ना बिखरा हो। चुमन प्रास वाला चुम्मा, आय हाय संदीप रेड्डी वांगा, क्या आदमी है, क्या बंदा है भाई। बंदे ने मचा दिया है, वो बंदा जज्बात के साथ खेलता नहीं है, अपने कंधों पर ले लेता। सनम बेवफा हो सकता है पर ये आदमी नहीं। जहां अब तक मैं इतनी तारीफ किए जा रहा हूं तो आपको ये पता ही लग गया होगा, ये अंदाजा हो ही गया होगा कि मूवी कैसी थी या कैसी होगी। मैं तो कह रहा हूं कि जाओ थिएटर में और जाके देखो। अगर आप 18 साल के ऊपर के बंदे हो और क्लासी मासी देखने का शौक है आपको सिनेमा, तो भाई खुल के जाओ, पूरा मजा देगी मूवी। क्लासी मासी मूवी देखनी है तो शौक से जाओ, शिकायत का कोई मौका नहीं रहने वाला है या कोई शिकायत नहीं आने वाली है आपकी तरफ से। 100 करोड़ में जो संदीप रेड्डी वांगा ने माल परोसा है, कमाल का लगता है। तुमसे तुम्हारी रूह कहने लग जाएगी कि कहीं ये मैं ही तो नहीं हूँ। मैं बात कर रहा हूँ रणबीर कपूर की, जो बंदे ने ट्रांजेक्शन दिया है, जो मामला दिया है, जो उसने ट्रांजेक्शन अलग अलग करेक्टर के साथ किया है, वो भाई काफ़ी कमाल का लगता है। क्या लुक दिया है मतलब मूवी में, और वो यादी कांड जिसमें आपको चौंकना पड़ जाए, बक कमाल कर दिया। जहाँ करेक्टर की ही बात करी जाए तो कोई हिसाब नहीं रणबीर कपूर की एक्टिंग का, जहाँ मैं खुद पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मतलब उसका, और अब तो मैं एसी बन चुका। चाहे आप उसकी संजू मूवी उठा कर देख लो भाई, बंदे ने उसमें भी कमाल ही कर रखा था। जहाँ इसकी एक्टिंग पर तो कोई आपका सवाल खड़ा ही नहीं हो सकता। जहाँ आगे बात करते हैं, आपको वो फील हो जाएगा, वो बाप और बेटे का आंखों में आंखें देखकर मिलाकर बोलना, और वहाँ जो एक्टिंग दिखती है, आय हाय वो आंखों में आंसू सब कुछ बया कर जाते हैं। वो हवस, वो इमोशन का नंगा नाच जिस पर किसी का कोई बस नहीं चलने वाला है, वो प्यार जो बड़ी स्क्रीन से जल्दी से हटने वाला नहीं है। वहीं अपना म्यूट मैन लॉर्ड बॉबी देओल, भाई वो बंदा खा गया है, जिसके करेक्टर के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताना चाहता, इंक्लूडिंग अनिल कपूर जिनसे आपको कभी नफरत होने लगेगी, या अपना रणबीर कपूर जिसमें आपको अपना अंश दिखने लगेगा। वहीं स्टोरीज की ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक बार जाके देख लो, मेरे को मज़ा आया। अगर आप 18 साल की उम्र के ऊपर के बंदे हो तो एनिमल क्या दिखाती है, वो फैमिली के इमोशन, वो डार्कनेस, वो बंदा कहाँ तक जा सकता है, या एक बंदा प्यार में कितना पड़ सकता है अपने बाप के साथ, या कुछ भी समझ लो मतलब। पर इसको फैमिली के साथ देखना थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकता है, बाकी आपकी मर्जी। अगर आप जाना चाहते हो फैमिली को लेकर तो खुशी से जाओ। जहां मूवी की तारीफ यहीं नहीं थमती है, इसमें और भी खूबियाँ है। चाहे इसके आप गाने ले लो जो आपको कभी बोर नहीं होने देंगे, चाहे आप इसे रिपीट मोड पे भी सुन सकते हो मतलब, ठीक है। और जो काफ़ी अच्छे है, स्पेशली इसका बैकग्राउंड म्यूजिक जो भाई कड़क है, ये फील हो जाता है कि हाँ जो हम मांग रहे थे वो हमें मिला है और अपने पैसे वसूल हुए हैं। और कुछ एक सरप्राइजिंग करेक्टर जिनको अभी खोलना जरूरी या सही नहीं होगा, और वो इंटरवल के पहले के 10 मिनट आपका दिल जीत ले जाते हैं। और एक करेक्टर है जो उतना ही साइड करेक्टर लगा जितना वो हो सकता था, मतलब रश्मिका मंदाना, जो मामला खराब मतलब ठीक ही है, बाकी जब तुम एनिमल मूवी देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या माल है वो। और इसके डायलॉग तो डबल मीनिंग डायलॉग जो काफ़ी देखने में या सुनने में कूल लगते हैं। और ये ए रेटेड मूवी है तो इसमें ये सब चलता है, और ये पहले भी बता दिया गया था। एक्चुअली रूमर्स वगैरह या स्पॉयलर्स वगैरह पहले आ जाते हैं। जहाँ इसकी सिनेमेटोग्राफी और कलर ग्रेडिंग काफ़ी अच्छी है, जो मैं ख्वाहिश लेकर विद मनी थिएटर जाता हूँ वो मुझे मिल जाता है कि कुछ स्पेशल देखने जा रहा हूँ, वो फील होता है कि कुछ तो बात है जो काफ़ी अच्छी है। जहाँ ये एक लाइन में रिव्यू भी हो सकता था कि कैसी लगी मूवी, फंटेस्टिक सुपर 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 से भी ऊपर। और हाँ, आप अपने प्यार को भी ले जा सकते हो और डबल मज़ा ले सकते हो। जहाँ मुझे मज़ा आया मतलब रणबीर कपूर की एक्टिंग देखकर, काफ़ी क्या एक्टिंग थी। रणबीर कपूर हो, अनिल कपूर हो, या अपना बॉबी हो, बस मूवी कहती है कि आप मजा लो, मैं तो मजे में चल रही हूँ। जहाँ आप हद की सीमा भी पार कर सकते हो। मूवी देखते टाइम किसी से भिड़ना मत, कभी आप उसकी बजा दो या उसकी ले लो फिरकी। खैर मुझे पता नहीं आज मुझे ऐसा क्यों लगा कि जो मैं मूवी रिव्यू करता हूँ, मूवी रिव्यू देता हूँ, वो काफ़ी अच्छा काम है मेरे लिए। जहाँ मुझे मज़ा आ रहा है, कुछ चीज़ें बहुत बाद में समझ में आती है, जिन्हें आप बटोरने लगते हो, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने लगते हो, एक प्यार से प्यार को लेना चाहते हो। क्या ये बातें क्यों ही कर रहा हूँ मैं। जहाँ इससे मेरा मतलब कि तुम देख लो अपना अपना, पर मूवी फुल टाइम मज़ा छोड़ जाती है, फुल टाउन मज़ा छोड़ जाती है। जैसे कि बारिश में आप भीगे हो और आग भी आपके पास ही लगी हो, तो जो चैन मिलता है वो मूवी दे जाती है। खैर इसे यहीं छोड़ते हैं और इसे इतना ही करते हैं। इसके ऊपर एनिमल के ऊपर एक वीडियो 2-4 दिन बाद लाएंगे, उसमें बातें इसकी फुल स्टोरी वगैरह जो भी स्पॉइलर अलर्ट होगा वो बातें देख लेंगे, तो उस वीडियो में बात करेंगे। खैर इस इमोशन को बाप बेटे के
क्या रेटिंग दी जाए पता नहीं, तुम बताओ। वहीं मैंने एनिमल के ऊपर पहले भी बात की हुई है, तो वो वीडियो जरूर से चेक कर लेना, वीडियो स्क्रीन पर मिल जाएगी। और अभी सैम बहादुर भी देखने का प्लान बना रहा हूँ, अब पता नहीं कब देखना पड़ेगी, अभी शाम को या कल सुबह, तो देखते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुमने तो कर लो, और इसी तरह देखते रहो बेयर बैक क्रिएट।